जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है। जो गार्ड था, ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी, उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वॉज सेव्ड। उसकी जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड चलता है, उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया है। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं। Days after the Odisha triple train tragedy, the railway board on Sunday, citing preliminary investigation, said that there was some issue with the signalling and only Coromandel Express met with an accident in Balasore that claimed the lives of 275 passengers. Jaya Varma Sinha, member of Operation and Business Development, Railway Board, addressed the press conference in the national capital. She recounted her conversation with the staff members of the Coromandel and the Yashwantpur Express trains. She said, "I had a conversation with the locomotive driver of Coromandel Express. He was conscious at that time. He said that he received a green signal. After that conversation, his condition is critical. The guard of the goods train was out of the train and was checking it. At that particular time frame, the accident happened. Had he been there in the goods train, there was no chance of him being alive." During the conference, Jaya Varma Sinha further added that senior officers are answering the calls and are trying to connect as many people as possible. "Our helpline number 139 is available. This is not a call center number. Our senior officers are answering the calls and we are trying to connect as many people as possible. The family members of the injured or diseased can call us and we will make sure that they are able to meet them. We will take care of their journey and other expenses," she said. When asked if Kavach could have prevented the accident, she said, "If an obstruction comes suddenly in front of a high moving train, then no technology in the world would prevent an accident. The restoration work at the site of the accident is underway." Sinha, during the press conference, said that at least two railway lines are expected to be operational by 8 pm today at the site, but will start running at a low speed. जब ये घटना हुई, उसके करीब 15 मिनट में मुझको पर्सनली इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ जो अभी हम लोग चलेंगे डिजास्टर वॉर रूम जो है, जहाँ पे हम ऐसे जगह पे असेंबल हो जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, वहां से हम लोगों ने जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अभी अस्पताल में है, सीरियस है। दूसरी चीज, जो दूसरी ट्रेन थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो टीटी था, उसमें A1 में उसमें जो टीटी था, उससे भी मेरी पर्सनली बात हुई। उसने मुझे बताया कि उसको पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, बहुत जोर की आवाज और बहुत एबनॉर्मल आवाज। जब उसने वो पीछे की तरफ देखा तो उसे लगा कि कोई कुछ कुछ आ रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। उसको समझ में नहीं आया कि क्या है। और उसके बाद उसके A1 कोच के पीछे एक और जनरल बोगी थी, उसके बाद एक और जनरल बोगी थी और लास्ट वो गार्ड का डिब्बा था। वो दोनों डिब्बे ट्रेन से डिटैच हो गए। इसका वाला पोर्शन ये A1 में आगे था, एक डिब्बा आगे था, और इसका वाला पोर्शन जो यशवंतपुर एक्सप्रेस का था वो आगे चला गया और सेक्शन में वो सेफली चला गया। लेकिन इसके पीछे ये जो दो डिब्बे हिट हुए, जिसकी उसको आवाज सुनाई दी और उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, वो डिब्बे पटरी से फिक गए। सो ये है एक टीटी से जानकारी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव। सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू द यशवंतपुर एक्सप्रेस। आर स्टाफ, लेट मी टेल यू, एंड जो गार्ड था, ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी, उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वॉज सेव्ड, क्योंकि रेलवे का नियम है कि अगर कोई भी मालगाड़ी कहीं पे खड़ी है थोड़ी देर के लिए, तो उसका गार्ड, उसका ड्राइवर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये गाड़ी सेफ है। तो वो लोग उतर के उस गाड़ी की जांच करते हैं। तो वो जो है गार्ड उस समय उतरा हुआ था और वो उतर के ट्रेन की जांच कर रहा था। उतने में ये हादसा हुआ और ये इंजन और ये सारी चीजें, उसकी उसके उसकी जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड चलता है, उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया है। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं था। बट ये ईश्वर की कृपा है कि वो उतरा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो बच गया। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।